मध्य प्रदेश के भोपाल जिले गेहूं उपार्जन में जुड़े ट्रांसपोर्ट मालिकों ने मांग की है कि जिले की लगभग 30 से 40 सोसाइटियां, जिसमें मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट के लगभग 120 से 130 ट्रक इन सोसाइटियों में गेहूं लाने का काम सरकार द्वारा जो कि वेयर हाउस चिन्हित किए गए हैं उन पर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम ने सभी वेयर हाउसों को हटाकर सारी समितियों को भारतीय खाद्य निगम पर चिन्हित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 70-80 गेहूं के ट्रक रोज भारतीय खाद्य निगम पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जहां पर जिनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है उसके बाद ही वेयर हाउस में माल रखने की परमिशन दी जाती है। ट्रांसपोर्टर मालिकों का कहना है कि गुणवत्ता के नाम पर लगभग 40-50 ट्रकों को वापस कर दिया जाता है। जिले में लगभग 30,000 टन माल अभी भी बचा हुआ है, अगर यह माल वक्त रहते वेयर हाउस नहीं पहुंचा तो पूरा माल सड़कर खराब हो जाएगा। अब सवाल यह बनता है कि अगर जिन किसानों का माल वेयर हाउस नहीं पहुंचा तो उनका नुकसान कौन भरेगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, मैं सोना ट्रांसपोर्ट कंपनी से मैनेजर हूँ। मैं वहाँ पे जो सोसाइटियों से समितियों से सरकारी माल आ रहा है, मैं उसको पूरी 150 गाड़ियाँ जो मेरी ज़िले में चल रही हैं वो लगभग पूरी समितियों को FCI से जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे लगभग रोज़ की 100-125 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से सैम्पलिंग के नाम पे 70-75 गाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें से मात्र मेरी 10-11 गाड़ियाँ खाली होती हैं, और उसके बाद 20 गाड़ियां फिर भी मेरी 20 से 25 गाड़ियां बाहर खड़ी रह जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो पहले काम होता था FCI में सैम्पलिंग का, वो सोसाइटीज़ पे जाके सैम्पलिंग कर ले अपनी, और जो सैम्पल माल को रिजेक्ट करता है मैं उस सोसाइटी का माल FCI ना लाऊं। आप लोग अब जो है डिमांड में ये चाहते हैं कि यहां का सैंपलर जाके वहीं चेक करें, सोसाइटी क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, पैसा बचेगा, वक्त बचेगा, और काम भी लिफ्टिंग भी हो जाएगी माल की। अभी लगभग सोसाइटियों पे कितना माल और बचा हुआ है? लगभग आप मान के चलें 30,000 कुंटल माल है सोसाइटीज़ पे, जो सब FCI आना है। तो अब बताइए, ये सरकारी माल ख़राब होगा रिजेक्शन की वजह से, 2 दिन से मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो लिफ्टिंग में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है हमारा समितियों पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।